किसी ने सच ही कहा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जिन लोगों में कुछ करने की लगन और आगे बढ़ने की जस्तजू होती है वो कभी हालात का रोना नहीं रोते, बल्कि बुलंद हौसले और जमा मर्दी के साथ रास्ते की रिकावटों को उबूर करते चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद उसैद है और मैं डाइस्ट्राइस से बिलोंग करता हूँ और मैं एक स्टूडेंट हूँ। और हम बेसिकली ये हमारा चार लोगों का आइडिया था और हम चारों ही स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये जो हम जो टैबो कल्चर है एक पाकिस्तान का कि यार पढ़े लिखे लोग जो हैं वो स्टॉल नहीं लगा सकते, वो तो हम उसको तोड़ने के लिए हमने कोशिश की है। और नौजवानों को मेरा ये मैसेज है कि यार निकलो घर से, काम करो अपने लिए, अपने मुल्क के लिए और अपनी फैमिली को सपोर्ट करो, अपने खर्चे उठाओ, बजाय इसके कि आप लोग बैठ कर जो है पबजी खेलते रहते हो पूरा पूरा दिन या टिकटॉक पर वीडियोज़ बनाते रहते हो। तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन फॉर यंग पर्सन, आप लोग निकलो कुछ प्रोडक्टिव करो। नमल यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम चार दोस्तों ने अपने तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर F10 में ड्राइज फ्राइज के नाम से फूड पॉइंट खोलकर साबित किया कि मेहनत में अजमत है। हम लोगों ने इसका स्टार्ट जो है ना 3 वीक्स पहले लिया है, और उससे पहले जो है मैं फिटनेस ट्रेनर जो कि अभी भी हूँ और ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज करते थे। अभी हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और मैं 9th में थी जब मुझे अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को ऐड करना था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, और उसका मुझे फ़ायदा भी हुआ कि मैं अपने फिटनेस ट्रेनर बन गई हूँ। और उसके साथ साथ डाइस फ्राइस में भी हेल्प करवा देती हूँ, और बहुत से काम है जो घर के में रहकर और घर से बाहर भी किए जा सकते हैं। तो इतना कहना चाहूँगी जो लोग इससे भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि काम नहीं है, कोई धंधा नहीं है उनके पास, तो बस इतना कहना चाहूँगी घर में कोई काम है कुकिंग कर सकते हैं, बेकिंग कर सकते हैं, और भी बहुत से काम है जो घर रह के भी हो सकते हैं, तो वो ट्राई करें, हिम्मत करें और अपनी प्रॉब्लम को फेस करें, इंशाल्लाह अल्लाह उनकी हेल्प करेगा। नाजरीन, ये मास एक फूड पॉइंट नहीं बल्कि उन बेरोजगार अफराद के लिए एक पैगाम भी है जो माली वसाइल की कमी को जवाब बनाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। अगर आप कुछ करने की ठान ले तो रब कायनात आपके मेहनत को कभी जाया होने नहीं देते। कैमरामैन सईद वसीमुल हसन के साथ कैसर अब्बास, यूनिटी न्यूज़ इस्लामाबाद।